नारायण राणे को मिली जमानत, सियासी पार्टी और लीडरों पर तनकीद करना फिर शुरू किया। कहा, मेरी दोस्ती और मेहरबानी का कुछ लोगों ने गलत फायदा उठाया। आदाब, मैं फरहज शरीफ, लंद्रानी न्यूज में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र की सियासत में गुज़िश्ता रोज एक जबरदस्त भौंचाल आ गया था, जब सीएम उद्धव ठाकरे के एक बयान देने के ताल्लुक से सेंट्रल मिनिस्टर नारायण राणे को गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि उन्हें कल ही रातों रात महाड़ की अदालत में हाजिर होते ही जमानत भी मिल गई, मगर बाहर आते ही उन्होंने फिर से सियासी पार्टियों और उनके लीडरों पर ताने कसना शुरू कर दिया है। अब तो उन्होंने शिवसेना के साथ एनसीपी पर भी सख्त नुक्ताचीनी की, बल्कि शरद पवार को भी नहीं छोड़ा और उनसे सवाल पूछा कि जिस शख्स को उन्होंने सीएम की कुर्सी पर बिठाया है उसे सुधारिए। बाहर आने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए उन्होंने कहा कि जन आशीर्वाद यात्रा 27 अगस्त से फिर शुरू होगी। अदालत ने मेरे साथ इंसाफ किया, जिससे पता चलता है कि इस मुल्क में कानून कहीं ना कहीं अब भी सांस ले रहा है। मुझे अफसोस है कि जिन लोगों का मैंने साथ दिया उन लोगों ने ही मेरी दोस्ती और मेहरबानी का गलत फायदा उठाया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी और उनके तमाम लीडरों का भरपूर शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने उन्हें सियासी पार्टी से जोड़े रखा है। उनके साथ राणे के बेटे नीलेश राणे भी थे। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को चुटकी लेते हुए कहा कि उद्धव को भी करारा जवाब जल्द दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि राणे को 17 सितंबर तक ही अदालत से राहत मिली है। हुकूमत ने भी अदालत को यकीन दिलाया है कि अगली तारीख तक वो भी राणे के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, लंत्रानी न्यूज, मुंबई।